पिछली सफल और चल अपनी पिछली और सफल और चर्चित फिल्म को भुना कर उसी की तर्ज पर दूसरी फिल्म लेकर आए हैं नमस्ते इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते लंदन जो साल 2007 में सुपरहिट फिल्म रही थी, उसका रिव्यू लेकर हम आ गए हैं आपके पास, यानी कि उसका अगला पार्ट नमस्ते इंग्लैंड, जिसमें हमें दिखाई दे रहे हैं परिणीति चोपड़ा, अर्जुन कपूर। बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। इससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि फिल्म में क्या कुछ खास है। नमस्ते इंग्लैंड दोस्तों कहानी संगीत खूब पसंद किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें निर्देशक ने दावा किया था कि नमस्ते इंग्लैंड एक फ्रेश कहानी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिल्म में कोई भी ताजगी नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है आम और हजार बार आजमाए हुए लव स्टोरी नुस्खे से, जहां परम यानी कि अर्जुन कपूर को जसमीत बनी परिणीति चोपड़ा से प्यार हो जाता है। जब वो जसमीत को दशहरे जश्न में डांस करते हुए देखते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना चाहती जसमीत का सपना है कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया घूमे। हालांकि उसके दादाजी और उसके भाई का मानना है कि औरतें बच्चे पैदा करने और घर संभालने के लिए होती है, इसलिए वे जसमीत की नौकरी के सख्त खिलाफ है। मगर जसमीत अपने ख्वाबों को पूरा करना किसी भी कीमत पर चाहती है, और वो परम से शादी करने के लिए तैयार भी इसलिए हो जाती है ताकि वो शादी के बाद नौकरी की इजाज़त उसे ससुराल वालों की तरफ से मिल जाए। मगर विदेश जाकर सेटल होने में कई दिक्कतें भी आने लगती है। तब इंटरवल पॉइंट पर एक ट्विस्ट आता है, जहां जसमीत झूठी शादी का सुहाग रचकर लंदन चली जाती है। परम की तरह दर्शक भी इस ट्विस्ट को देखकर हैरान रह जाते हैं। विदेश जाकर जहां वहां सिटीजनशिप ले लेती है, और वहीं परम के सपनों को साकार करना ही जसमीत की प्लानिंग भी है। जब जसमीत तक पहुंचने के लिए परम गैर कानूनी तरीकों से लंदन जाता है और जसमीत को आईना दिखाने की कोशिश करता है कि झूठी शादी की प्लानिंग करना कोई भी कुछ खास अच्छी बात नहीं थी, मगर दोस्तों प्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स आपको पूरी तरीके से निराश कर देगा। निर्देशक ने इस बार फिल्म की कहानी का टैगलाइन रखा है, प्यार कोई भी दूरी तय कर सकता है, मगर फिल्म में उन्होंने प्यार को जिस तरीके से परिभाषित किया है ये बिल्कुल अनरियल देखने को में लगता है। कमज़ोर कहानी, ढीला ढाला स्क्रीन प्ले फिल्म को बोझिल बनाता है। हालांकि यानिस मोनोप्लिक्स की इंडिया और यूरोप की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी मोहक है, मगर वो फिल्म को बचाने में सहायक नहीं रही। दोस्तों कुल मिला के फिल्म को 2 स्टार से ज़्यादा देना फिल्म के लिए सही साबित नहीं होगा, क्योंकि ये फिल्म साल 2007 की नमस्ते लंदन के मुकाबले तो बिल्कुल ही बुरी है। अर्जुन और परिणीति की जोड़ी आप इशक ज़्यादे में देख चुके हैं, उस जोड़ी को आप यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। वो जोड़ी कुछ अलग थी और नमस्ते इंग्लैंड कुछ अलग है। इस बार दोनों ही दर्शकों को खुश करने में नाकामयाब रहे हैं। कुल मिला के दोस्तों अक्टूबर के महीने में एक और फ्लॉप फिल्म हमारे सामने आ गई है नमस्ते इंग्लैंड के तौर पर, जो कि 2007 वाला अक्टर कैट वाला जादू नहीं चला सकी। तो दोस्तों ये था नमस्ते इंग्लैंड का फुल टोटल रिव्यू। आपको ये फिल्म अगर देखनी है तो आप हमें बताइए कि आप ये क्यों देखना चाहते हैं। अगर देख चुके हैं तो कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसी लगी, और सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि बॉलीवुड की आने वाली खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।